लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव में भाजपा की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर भाजपा की हार के बाद अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में चुनावी अभियान का शंखनाद किया। सीएम योगी ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर चुनावी अभियान का शंखनाद किया। श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर जहां सीएम ने हिंदुत्व का कार्ड खेला है, वहीं उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उनके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार के बाद अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। लोकसभा चुनाव के बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुत्व का एजेंडा चल रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को फिर से धार देने और विपक्ष को कड़ा संदेश देने के लिए योगी अपने समीकरण को स्थापित कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद के बेटे को उपचुनाव में उतारकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प बनाने की तैयारी में है। रविवार को जब सीएम योगी मिल्कीपुर में हुंकार भर रहे थे तब अखिलेश अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मिल्कीपुर का सियासी चक्रव्यूह तैयारी कर रहे थे। अखिलेश से मुलाकात के बाद सपा सांसद ने काफी खुश नजर आए और अपने समर्थकों से क्षेत्र में जाकर चुनाव की रैली में जुट जाने को कहा। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश ने मुलाकात के दौरान उनके बेटे को उपचुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है।